हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेडरूम के बारे में बताने वाली हूँ। बेडरूम के कुछ टिप्स के बारे में मैं आपको देने वाली हूँ। तो जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, मैंने बेडरूम के लिए बनाया है कि बेडरूम कौन कौन सी दिशा पे किसके लिए बेस्ट होगा और कौन से टाइप का बेडरूम होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने चार कॉर्नर्स बनाए हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। उसमें से नॉर्थ साइड पे बेडरूम्स ना रहे तो बहुत अच्छा होगा। आपके घर के नॉर्थ साइड पे बेडरूम ना बनाए, ना नॉर्थ वेस्ट में ना नॉर्थ ईस्ट में। मूविंग ऑन, नीचे आप देख सकते हैं ईस्ट साइड में मैंने बनाया है। वो वहाँ पे जो बेडरूम बनेगा वो चिल्ड्रन, गेस्ट और जो अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो बेडरूम है वो ऑफिस आप बना सकते हैं, या उसको ऑफिस वाला बेडरूम बना सकते हैं, या जो कुंवारे होते हैं, अनमैरिड लोग, उनके लिए वहाँ पे बेडरूम बनाना बहुत अच्छा होता है। जो चिल्ड्रन बेडरूम होना चाहिए वो वेस्ट साइड होना चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए भी अच्छा होता है। वेस्ट दिशा में अगर चिल्ड्रन रूम बनाएंगे तो उनके पढ़ाई के लिए और उनके लिए अच्छा होता है। वेस्ट और साउथ के बीच में अगर आप बेडरूम बनाए तो मास्टर बेडरूम बनाए, जो हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, मेन लोगों का हेड ऑफ द फैमिली मास्टर रूम, उनके लिए वेस्ट और साउथ के बीच में बेडरूम बनाए। तो ये था मेरा चार्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे 5 टिप्स की ओर। द बेड इन द गेस्ट रूम कैन हैव इट्स हेड टूवर्ड्स द वेस्ट, एंड ऑल्सो इट इज बेस्ट इफ योर बेड इज मेड ऑफ वुड। मेटल कैन क्रिएट नेगेटिविटी वाइब्रेशंस। सिंपल सी बात है, अगर बेड की दिशा परफेक्ट रही तो भी बहुत इफेक्ट करता है अपने लाइफ्स में। तो अगर आपका बेड का हेड वेस्ट की टूवर्ड्स हो, वेस्ट की तरफ हो, बेड का हेड मतलब बेड का हेडबोर्ड वेस्ट की तरफ हो तो बहुत अच्छा रहता है उस दिशा से सोना। और इट इज बेड इफ योर बेड इज मेड ऑफ वुड, अगर आपका बेड वुड से बना है तो बहुत अच्छा होगा। मेटल से आप ना बनाए, उससे नेगेटिविटी वाइब्रेशन आती है। जितना वुड यूज करोगे वो वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। मेरी सेकेंड टिप है, अकॉर्डिंग टू वास्तु अवॉइड अ मिरर इन द फ्रंट ऑफ योर बेड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ वन स्लीपिंग बॉडी इन अ मिरर ऑफ इनऑस्पिशियस। तो ये बहुत ही पहले से माना जाता है और ये सिंपल सी टिप है। बेड के सामने कभी मिरर ना बनाए, इससे बहुत अच्छा वाइब्स नहीं रहता, बहुत नेगेटिविटी होता है। आपकी सोती हुई आप वो मिरर में दिखते हैं बॉडी, विच इज नॉट गुड। कलर्स डोंट जस्ट ब्राइटन अवर वर्ल्ड, दे ऑल्सो इफेक्ट ऑन मूड, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आइडियली पेंट योर बेडरूम ऑफ वाइट, बेबी पिंक और क्रीम, अवॉइड डार्क कलर्स। द रूम शुड बी वेल ऑर्गेनाइज, कीप योर बेडरूम क्लीन एंड क्लटर फ्री। जो कलर्स होते हैं, जो बेडरूम के कलर्स होते हैं, वो बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर हम पूरे घर पे जो कलर करेंगे वो हमारे मूड, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्दीनेस को बहुत इफेक्ट करता है। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से हमारे रूम के लिए, घर के लिए चूज करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है अपने जीवन के लिए। तो आइडियली आप, मैं जैसे कि मैंने अपने लिविंग रूम के वीडियो में भी कहा था कि वास्तु के हिसाब से वाइट ही बेस्ट होता है पूरे घर के लिए, लेकिन बेडरूम में ऑफ वाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेबी पिंक क्रीम और क्रीम बेबी पिंक, वो सब वाइट क्रीम, वो सब आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बीच में ब्लैंक हो जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। और अदरवाइज क्रीम अवॉइड डार्क कलर्स एंड द रूम शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। आप डार्क कलर अवॉइड ही कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था लिविंग रूम में डार्क कलर आप जितना कम यूज करें तो कम ही करें। अगर आपके डिजाइन में है, आपको डार्क लगाना है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, वहां पे आप करें। और रूम आप वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे, क्लीन रखेंगे, क्लटर फ्री मतलब उलझावा ज्यादा ना रखेंगे, तो आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। तो
तो हमारी चौथी टिप है, अवॉइड अ राउंड सीलिंग अबाउट द बेड। बेड के ऊपर अगर आप सीलिंग बनाना चाहते हो, आप सीलिंग करना चाहते हो, तो आप राउंड कलर का सीलिंग ना बनाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा सीलिंग बनाना हो बेड के ऊपर, तो आप चौकन बनाएं, या तो आप सिर्फ सिंपल क्या कहते हैं, फैन रखे या लाइट रखे, बट राउंड सीलिंग डिजाइन में ना करें। ये थी मेरी टिप्स और मेरा ग्राफ्ट। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सेव कर लीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी को क्या पता, जरूरतमंद लोगों को मेरा वीडियो पहुंचे और उनको जरूरत हो, घर बना रहे हो, तो उनको मेरी वास्तु टिप्स बहुत काम आ सकती है। सो प्लीज शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।